ओ भाई ये क्या, द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकएंटायर ने रोमन रेंस पर अटैक कर दिया, वो भी स्टील चेयर से। लो अब ना होगी स्मैकडाउन में असली धमाल। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले, गाइज आप लोगों ने जो चैनल को प्यार दिया है उसके लिए यारा दिल से थैंक यू। और मेरे वो भाई जो चैनल पर नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे यूट्यूब फैमिली में ज्वाइन हो सकते हैं। तो फिर गाइज देर क्यों, चलिए ना आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज रोमन रेंस डबल चैंपियन बनने वाले हैं और रोमन को डबल चैंपियन बनाने का प्लान WWE के मालिक विंस मैकमैन का है। और ड्रू मैकएंटायर को एक काफ़ी बड़ी इंजरी हो गई है जिस वजह से वे अब थोड़े टाइम के लिए हमें टेलीविज़न पर देखने को नहीं मिलेंगे। और आज के स्मैकडाउन में WWE चैंपियन और यूनिवर्सल चैंपियन फेस टू फेस आने वाले हैं। तो गाइस फाइनली रॉयल रंबल के लिए WWE ने एक बड़ा मैच अनाउंस कर दिया है। ये मैच WWE चैंपियन द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर और ऑलमाइटी बॉबी लेस्ली के बीच होने वाला है फॉर द WWE चैंपियनशिप। WWE चैंपियनशिप के लिए तो मैच बन चुका है और अब बच जाता है WWE का एक और बड़ा टाइटल यूनिवर्सल चैंपियनशिप जो कि रोमन रेंस के पास है। और अब जल्द WWE को रॉयल रंबल के लिए रोमन रेंस का नया अपोनेंट खोजना होगा क्योंकि ब्रॉक लेसनर अब WWE चैंपियन बन चुके हैं और उनका मैच रॉयल रंबल में बॉबी लेस्ली के साथ फिक्स हो चुका है। तो अब ब्रॉक तो रोमन से फाइट नहीं कर सकते हैं क्योंकि डे वन में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच नहीं हो पाया था। तो ब्रॉक ने सोचा था कि वे दोबारा से रोमन रेंस को रॉयल रंबल में एक सिंगल मैच के लिए चैलेंज करेंगे, लेकिन फिलहाल अब तो रॉयल रंबल में इनका मैच आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन WWE ने फैंस से प्रॉमिस किया है कि वे दोबारा से ब्रॉक और रोमन का एक सिंगल मैच जरूर करवाएंगे। और क्योंकि अब ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियन बन गए हैं और रोमन तो यूनिवर्सल चैंपियन है ही, तो अगर अब WWE इनके बीच एक मैच करवाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। और फैंस इस मैच के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि दोनों सुपरस्टार के पास चैंपियनशिप है तो इनके बीच एक डबल चैंपियनशिप के लिए मैच हो सकता है। और गाइज आप लोग जानते हैं कि रसलमेनिया WWE का सबसे बड़ा शो है और WWE इस शो के लिए हमेशा बड़े मैच ही प्लान करती है। तो गाइज अगर विंस मैकमैन इस मैच के लिए राजी हो जाते हैं तो हमें रसलमेनिया 38 में एक काफ़ी बड़ा मैच देखने को मिलेगा यूनिवर्सल चैंपियन और WWE चैंपियन के बीच। गाइज अगर इस मैच के विनर की बात करूं तो वो रोमन रेंस हो सकते हैं, मानो तो विनर ब्रॉक भी हो सकते हैं, लेकिन रोमन का इस मैच को जीतने का ज़्यादा चांस बनता है क्योंकि रोमन रेंस विंस मैकमैन के काफ़ी लाडले हैं और विंस मैकमैन रोमन के द्वारा एक ऐसा रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं जिसे WWE का कोई सुपरस्टार आसानी से ब्रेक नहीं कर सके। तो गाइज फिलहाल तो बात कर लेते हैं रोमन रेंस के रॉयल रंबल के अपोनेंट के बारे में। ये तो कन्फर्म है कि ब्रॉक रोमन से फाइट नहीं करेंगे क्योंकि उनका मैच तो बॉबी लेस्ली के साथ है, लेकिन रॉयल रंबल में तो रोमन को अपना चैंपियनशिप डिफेंड करना ही होगा और उनका ये अपोनेंट उनके लिए काफ़ी बड़ा खतरा हो सकता है क्योंकि अब फाइनली द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकएंटायर तैयार हैं एक काफ़ी बड़े मैच के लिए, वो भी रोमन रेंस के साथ। ड्रू मैकएंटायर स्मैकडाउन के बाकी सुपरस्टारों से फाइट करके पक चुके थे, लेकिन अब ड्रू मैकएंटायर काफ़ी हैप्पी हैं क्योंकि फाइनली ड्रू को रोमन रेंस के साथ एक टाइटल मैच मिल रहा है। ड्रू मैकएंटायर और WWE यूनिवर्स इस मैच के लिए काफी टाइम से वेट कर रहे थे तो फाइनली कुछ टाइम बाद ये मैच हमें देखने को मिलेगा। लेकिन गाइज अभी बैड न्यूज ये है कि ड्रू मैकएंटायर को एक काफी बड़ी इंजरी हो गई है। जब डे वन में ड्रू मैकएंटायर ने मैटकैप मॉस को हरा दिया तब बैक स्टेज हैप्पी कॉर्बिन और मैटकैप मॉस ने ड्रू मैकएंटायर के नेक पर स्टील चेयर से हमला कर दिया था। तो WWE ने बताया कि ड्रू मैकएंटायर के नेक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिस वजह से वे थोड़े टाइम के लिए टेलीविजन से दूर रहेंगे, लेकिन इसके बाद जैसे ही ड्रू मैकएंटायर WWE में वापस आएंगे वे सीधे रोमन रेंस के साथ कन्फ्रंट करेंगे और उन्हें रॉयल रंबल में एक सिंगल मैच के लिए चैलेंज करेंगे। तो गाइज आई होप ये मैच काफी जल्दी अनाउंस हो जाए क्योंकि फैंस काफी टाइम से इस मैच के लिए वेट कर रहे हैं। और गाइज गुड न्यूज ये है कि कुछ वीक पहले रोमन रेंस कोविड पॉजिटिव हो गए थे जिस वजह से वे डे वन में ब्रॉक के साथ अपना मैच नहीं कर पाए थे, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि रोमन रेंस अब दोबारा से रिकवर हो चुके हैं और अब WWE ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, यही कि फाइनली रोमन रेंस स्मैकडाउन में वापस आ रहे हैं। और रोमन का स्वागत करने के लिए मंडे नाइट रॉ से WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर स्मैकडाउन में आ रहे हैं और स्मैकडाउन में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर फेस टू फेस आने वाले हैं। और मजे की बात तो ये है कि स्मैकडाउन में पॉल हेमन भी आ रहे हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट बस इतना है कि इस बार पॉल रोमन के साथ नहीं बल्कि अपने क्लाइंट द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के साथ स्मैकडाउन में आने वाले हैं। तो गाइज जब रोमन रेंस पॉल हेमन को ब्रॉक लेसनर के साथ देखेंगे तब उनका क्या कमाल का रिएक्शन होने वाला है।
तो गाइस इस साल का पहला स्मैकडाउन काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो गाइस साल के पहले स्मैकडाउन को मिस नहीं कीजिएगा। और गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और गाइस अगर सच में वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देन आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो। टिल बाय फ्रेंड्स।